मैं आपने किसी दोस्त से बात करना चाहता हूँ और दोस्त तो मेरी सारी सुनेगा और अपना सुझाव भी देगा, लेकिन परमात्मा से ऐसे प्रत्यक्ष रूप में बात करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में परमात्मा से सर्व संबंधों को कैसे निभाया जा सकता है, इस बारे में आप अपना स्पष्टीकरण दें। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि परमात्मा से सार्व संबंध कैसे निभाएं, क्योंकि परमात्मा हम सारे संसार की आत्माओं का पिता है और हम उसके लिए कहते आए, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो साथी, सहारा भी तुम ही हो, तुमेव ओम माताश्चे पिता शांति। तुमेव। परमात्मा से सर्व संबंधों को निभाना कैसे व्यवहारिक है? मान लीजिए मैं अपने किसी दोस्त से बात करना चाहता हूँ और दोस्त तो मेरी सारी सुनेगा और अपना सुझाव भी देगा, लेकिन परमात्मा से ऐसे प्रत्यक्ष रूप में बात करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में परमात्मा से सर्व संबंधों को कैसे निभाया जा सकता है, इस बारे में आप अपना स्पष्टीकरण देना। ठीक बात है, क्योंकि हमने दुनिया में देखा कि ये माँ है, तो हम अपनी माँ के पास बैठे, माँ से बात की, माँ से सम्मान को सम्मान दिया, माँ से प्यार लिया, पिता से प्यार लिया, दुनिया के जितने भी संबंधी हैं उन सबके पास जाकर हमने उस संबंध को एंजॉय किया। अब परमात्मा कहते, बच्चे मैं आया हूँ तुम सबके साथ अपने सारे संबंध निभाने के लिए, और ये भी साथ में बाबा कहते कि अब भी आपने सारे संबंध मेरे साथ अनुभव नहीं किए तो पूरे कल्प में कभी अनुभव नहीं कर सकेंगे। किसी कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अलबेलेपन में नहीं आना है, आलस में नहीं आना है, अभी ही सारे संबंधों को अनुभव करना है। यही भाई साहब का प्रश्न है कि सारे संबंधों का अनुभव करें कैसे, क्योंकि 63 जन्मों से हम अपने को देह समझते आए, और देह समझने के कारण देहधारियों के संबंध को हमने एंजॉय किया, और देहधारी के साथ लिमिटेड संबंध हो सकते हैं। फादर है वो दोस्त भी बन सकता है, चलो दोस्त की तरह व्यवहार कर सकता है, पर तो वो माँ तो नहीं बन सकता ना, पत्नी तो नहीं बन सकता ना, पति तो नहीं बन सकता ना। देह में संबंधों की सीमा है, परंतु आत्मा का आत्मा के साथ संबंधों में कोई सीमा नहीं। परमात्मा को देह नहीं, हम आत्मा भी विदेही हो गए, तो परमात्मा से हम सर्व संबंधों को अनुभव कर सकते हैं। अब कैसे अनुभव करें? परमात्मा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा पिता, इसका मतलब हम उनके बच्चे हैं और बच्चे हम आत्मा हैं।
तो अपने पिता की प्रॉपर्टी पर पैदा होते ही हमारा अधिकार है। उस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरह अपने जीवन में यूज कर। परमात्मा के पास ज्ञान है और वो सारा ज्ञान परमात्मा ने हमें दे दिया है या छुपा के रखा है। हमने क्लास मिस की है तो हमारी गलती है, परमात्मा ने तो नहीं छुपा के रखा। सारी मुरलियां अवेलेबल हैं, जितना पढ़ो जितना पढ़ो, जितना मनन करो, जितना चिंतन करो। निचोड़ ये है कि हमें परमात्मा का कहना मानना है। पिता का कहना मानेंगे तो परमात्मा की प्रॉपर्टी 7 गुण 8 शक्तियां आप अपने जीवन में ला सकेंगे, धारण कर सकेंगे। करनी आपको है, परमात्मा नहीं करेगा, कोई और भी नहीं करेगा, ये याद रहे। टीचर के रूप में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझा रहे हैं, अब मुझे स्टूडेंट के रूप में वो ज्ञान के एक एक पॉइंट जो परमात्मा समझा रहे हैं उसे एज ए स्टूडेंट मुझे अपनी बुद्धि में नोट करने, जीवन में धारण करने। अब उसे अब सखा कहो तो परमात्मा कहते मेरे से अच्छा सखा कोई नहीं मिल सकता, मेरे से अच्छा दोस्त कोई नहीं मिल सकता, गुरु मानो तो मेरे से अच्छा गुरु। मतलब ध्यान रखना है कि कहना हमको मानना है, गुरु रूप में हमें प्यार है तो भी कहना हमको मानना है, वो हमारा बाप है तो हमने उसका कहना मानना है। और कभी कभी कहते बच्चे तुम मुझे अपना बच्चा बना लो तो भी कहना हमें मानना है, वो कहना नहीं मानेगा। ये बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में एक एक बात एक एक पॉइंट बिठाना, बुद्धि को समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप